بسم الله الرحمن الرحيم. International Islamic Research Center. एहराम की हालत में कंघी ब्रश वगैरह क्रीम सुरमा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर ये है कि सुरमा या क्रीमें वगैरह जो हैं ये इस्तेमाल ना की जाएं। इसी तरह कंघा और ब्रश भी इस्तेमाल ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि कंघे और ब्रश से बाल के टूटने का यकीन होता है, शक नहीं बल्कि यकीन होता है। ख़ासतौर पर ख़वातीन अब बालों को कंघा या ब्रश करेंगी, बाल टूटेगा। एक आदमी के छोटे छोटे बाल हैं सर के, उसके तो टूटने का ख़तरा नहीं है। एक आदमी दाढ़ी रखे हुए है, वो कहता है कि मैं वज़ू किया है तो अब मैं कंघा भी मार लेता हूँ, तो ज़ाहिर है कि दाढ़ी के बाल फंसेंगे, वो टूटेंगे। बाल सर के बड़े हैं, टूटेंगे। लिहाजा कोशिश करें कि एहराम की हालत में गुसल करना जायज़ है, कंघा ब्रश मना नहीं है, लेकिन इसमें चूँकि बाल टूटना गुमाने गालब है लिहाजा वो इस्तेमाल ना करें तो बेहतर। हाथ से अपने बालों को संवार लीजिए।